दोस्तों, आप कैश मेमोरी के बारे में कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। ऐसे में आपका दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये कैश मेमोरी होती क्या है और ये कैश मेमोरी आखिर क्या काम में आता है। तो दोस्तों, आपका मन में अगर ये सवाल है या आप अगर कैश मेमोरी के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और इस वीडियो में दोस्तों बताने वाले आप लोगों में कैश मेमोरी के बारे में। दोस्तों, डिवाइस में जो है तीन तरह का मेमोरी होता है। एक हो गया आपका हार्ड ड्राइव, जिसको हम लोग इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका रैम, तीसरा हो गया कैश मेमोरी। तो ऐसे में दोस्तों सबसे स्लो होता है आपका हार्ड डिस्क का जो मेमोरी होता है या जो इंटरनल मेमोरी हम लोग बोलते हैं वो। उसके बाद दोस्तों उससे फास्ट होता है रैम, और रैम से भी कई गुना फास्ट होता है दोस्तों अपना कैश मेमोरी। तो ऐसे में दोस्तों रैम के बारे में हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि रैम होती क्या है, उसका काम क्या होता है, उसको कितना जरूरत रहता है आखिर डिवाइस में। अगर दोस्तों रैम के बारे में आपको जाननी है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाके आप रैम के बारे में जो वीडियो है मेरा उसको आप देख सकते हैं। आप बात करते हैं दोस्तों कैश मेमोरी की। दोस्तों, ये कैश मेमोरी आपका डिवाइस का स्पीड अच्छा बनाए रखने में मदद करता है। आपका मोबाइल हो या आपका कंप्यूटर हो, सब में दोस्तों ये कैश मेमोरी आपको मिल जाता है। दोस्तों, हम लोग दिन भर में कंप्यूटर में बहुत सारे काम करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों जो सारे सॉफ्टवेयर हम लोग ज़्यादा यूज में लेते हैं या जो सारे काम हम लोग कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा करते हैं दोस्तों, उस सारे चीज़ का डाटा कैश मेमोरी में सेव हो जाता है। जब कंप्यूटर को कोई डाटा का जरूरत पड़ता है या जब हम लोग कंप्यूटर को कोई चीज़ करने के लिए ऑर्डर देते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों वो कंप्यूटर वो चीज़ को कैश मेमोरी में खोजेगा। अगर कैश मेमोरी में मिल गया तो दोस्तों आपके सामने तुरंत उसको प्रेजेंट कर देगा। अगर कैश मेमोरी नहीं मिला तब जाकर दोस्तों रैम में खोजेगा। अगर रैम में नहीं मिला तब जाकर दोस्तों कंप्यूटर उस चीज़ को हार्ड डिस्क में खोजेगा। ऐसे में अगर दोस्तों वो डाटा उसको कैश मेमोरी में मिल गया तो होगा ये कि दोस्तों आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर बहुत जल्दी उस चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट कर देगा, क्योंकि कैश मेमोरी सारे मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और ऐसे में अगर वो डाटा दोस्तों कैश मेमोरी में नहीं मिला तब कंप्यूटर आपका रैम में खोजेगा। अगर वो डाटा रैम के पास है या वो चीज़ अगर बैकग्राउंड में चल हुआ रहता है आपका कंप्यूटर में, तब दोस्तों वो चीज रैम के पास मिल जाएगा। तब दोस्तों कंप्यूटर क्या करेगा, दोस्तों वो चीज रैम से लेकर के आपका सामने प्रेजेंट कर देगा। अगर दोस्तों वो डाटा रैम में भी नहीं है, तब जाकर आपका कंप्यूटर उसको फिर आप हार्ड ड्राइव में खोजेगा, वहां से फिर इसको ओपन करेगा, तब जाकर आपका सामने लाएगा। मतलब दोस्तों ऐसे में अगर कैश मेमोरी में कोई डाटा आपका है तो दोस्तों काम आपको बहुत जल्दी हो जा रहा है, रैम में थोड़ा सा और स्लो हो रहा है। अगर रैम में भी नहीं है वैसे में दोस्तों कंप्यूटर आपका काम थोड़ा सा और स्लोली करेगा। दोस्तों ऐसे में कैश मेमोरी तीन तरह का होता है, एक होता है L1, L2, L3। तो दोस्तों यह L के मतलब हो गया आपका लेवल, मतलब L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। अब दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। L1 कैश जो है वो आपका प्रोसेसर के अंदर में ही मिलता है, मतलब जो भी प्रोसेसर आपका सिस्टम में लगा हुआ है उसके अंदर में L1 कैश मिलता है। वो दोस्तों सबसे ज्यादा हाई स्पीड का होता है। दोस्तों आप बात करते L2 कैश के बारे में, दोस्तों L2 कैश जो है प्रोसेसर का अंदर में नहीं तो प्रोसेसर का नजदीक कोई IC में होता है। और ऐसे में दोस्तों प्रोसेसर के बीच और उसके बीच एक हाई स्पीड बस होता है, ताकि प्रोसेसर उसे जल्दी से ये स्पीडली एक्सेस कर पाए। और दोस्तों L3 कैश जो है एक सेपरेट मेमोरी होता है, दोस्तों सभी कोर्स के बीच शेयर्ड होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कितना कैश मेमोरी आपका कंप्यूटर में होता है या होना चाहिए। दोस्तों कैश मेमोरी जो है कंप्यूटर में बहुत कम मात्रा में मिलता है, मतलब आपका कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसर लगा हुआ है, चाहे वो i3 हो, i5 हो, i7 हो, जो भी प्रोसेसर हो दोस्तों, ऐसे में आपको 2 MB, 3 MB, 6 MB, 8 MB, 12 MB तक का कैश आपको मिल जाता है। तो आप सोच रहे हो दोस्तों 12 MB तो बहुत कम है दोस्तों, तो आपको हम बता दें 12 MB कैश मेमोरी के लिए बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों 12 MB में बहुत सारा रीड राइट कमांड स्टोर हो सकता है, बहुत सारे डाटा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दोस्तों उसमें स्टोर हो सकता है। मतलब 12 MB आपका कंप्यूटर के लिए काफी है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हो गया आपका कंप्यूटर के बारे में। आप बात करते दोस्तों फोन की। दोस्तों एंड्रॉइड फोन में भी आपका कैश मेमोरी मिलती है, लेकिन जो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर कैश मेमोरी दिखाता है या कैश दिखाता है वो दोस्तों अलग चीज होता है। दोस्तों ऐसे में जो फोन में एप्स होता है वो दोस्तों यूजर का यूज के हिसाब से कुछ डाटा फोन में स्टोर कर लेता है, उसी को दोस्तों उस एप्स का कैश मेमोरी बोला जाता है। जैसे कि दोस्तों फोन को आप स्विच ऑफ कर लिए, उसके बाद फोन को स्विच ऑन किया, उसके बाद आप गैलरी के खोलेंगे दोस्तों, शुरू बार जब गैलरी खोलेंगे बहुत ही स्लोली गैलरी आपका शो होगा, लेकिन जब दूसरा बार आप गैलरी को खोलेंगे तो होगा ये कि दोस्तों आपका जो फोटो वगैरह जो भी हो दोस्तों करंटली सामने आ जाएगा, मतलब पहले से ज्यादा स्पीड में आएगा। उसके बाद जब तीसरा बार आप उस चीज को खोलेंगे तब दोस्तों क्या होगा कि और भी बहुत ज्यादा जल्दी वो गैलरी का जो फोटो वगैरह आपका सामने शो होगा, क्योंकि बार बार जब उसका ओपन कर रहे तो दोस्तों उसका डाटा जो है आपका कैश मेमोरी सेफ हो जाता है, और जिसका मदद से दोस्तों आपका मोबाइल आपका सामने तुरंत या करंटली या बहुत स्पीडली उस चीज को आपका सामने शो कर देता है। और एक चीज, जैसे कि दोस्तों व्हाट्सएप में लास्ट जो चैट होता है या लास्ट जैसे में हम लोग
करते हैं या SMS उधर से आया रहता है दोस्तों, वो सबसे पहले शो होता है, क्योंकि ये सारा डाटा आपका WhatsApp का कैश मेमोरी में सेव है। इसीलिए दोस्तों जो मैसेज सबसे लास्ट में आया है या जिसको हमने सबसे लास्ट में मैसेज भेजे हैं, वो चीज़ दोस्तों सबसे ऊपर में शो होता है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि कैश मेमोरी का जो भी फंडा है आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका मन में कैश मेमोरी को लेकर के कुछ सवाल है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल की जवाब देने की। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज़ मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।